हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या दिल्ली लाइब्रेरियन हो, या पंजाब, जम्मू कश्मीर, एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ, एम्स, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे इस टॉपिक से दो या एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट वगैरह में दो तीन क्वेश्चन, आपको पांच क्वेश्चन भी फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से पूछे जाते हैं। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसको डेवलपमेंट से और फाइव लॉ है जो स्टेटिक टाइप से है, और एक डायनेमिक टाइप जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पूछे जाते हैं कि फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे हो रहा है, और आपसे एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें पूछ ली जाती है कि आपको कौन से लॉ को फॉलो करता है ये सिचुएशन, उस टाइप से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन है, अगर लाइब्रेरी बाहर काम कर रही है, जैसे वो बुक फेयर लगाती वगैरह है, तो वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि सभी पुस्तक को रीडर मिले, तो इसीलिए लाइब्रेरी अपने उन पुस्तकों को बाहर ले जाती है एग्जीबिशन में या बुक फेयर में ताकि उसको भी रीडर मिले, तो बाहर ये ले जाती है। लेकिन एक लाइब्रेरी जब बुक को बाहर ले जाती है एक विकलांग के हेल्प के लिए, यानी कोई दिव्यांग है और वो बुक की डिमांड करता है लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी उसको बुक को प्रोवाइड करती है उसके आवास पे, तो ये भी एक एक्सटेंशन ही हुआ, लेकिन ये थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करती है, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करती है ये सिचुएशन। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे हमें एक रीडर को बुक किसी भी हर हालत में पहुंचाना है, इसलिए बुक को बाहर लाइब्रेरी के बाहर सर्विस दिया जा रहा है, लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी जो है वो बाहर में जाकर सर्विस दे रही है, ना कि उस बुक को रीडर मिले। इसलिए लाइब्रेरी का जो सिचुएशन है दोनों आप समझिएगा, एक कंडीशन में लाइब्रेरी एग्जीबिशन या बुक फेयर लगा रही है, बुक फेयर में जा रही है इसलिए ताकि उसको सभी पुस्तक को पाठक मिले, तो ये थर्ड लॉ हुआ। लेकिन वही एक कंडीशन ये है कि एक रीडर जो दिव्यांग है उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको नीड है, इसलिए लाइब्रेरी पुस्तक को उसके पास ले जा रही है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ये है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, इसलिए वो पुस्तक लेके जा रही है, ना कि बुक को रीडर मिले इसलिए ले जा रही है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। तो इस टाइप से आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे फाइव लॉ, कौन कौन से लॉ हैं, कौन डेवलपमेंट कब किया गया, कब पब्लिश किया गया, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का, वहाँ पे जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए थ्योरिटिकल हमारे पास लेक्चर हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, आपको टोटल फुल कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर। और आप अगर लाइफ में एक बार प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी पर कोर्सेज ज्वाइन करके आप एक बार पढ़ लीजिए और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इतना प्रिपरेशन, यहाँ पे इतना आपको प्रिपरेशन हो जाएगा कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, हु फॉर्मुलेट द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम किसने दिए, किसने तैयार किए। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के फाइव लॉ को फॉर्मुलेट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले 1928 में फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में इन्होंने बताया था, मीनाक्षी कॉलेज, तमिलनाडु में पढ़ता है मीनाक्षी कॉलेज, और वहाँ पे इन्होंने बताया था कि फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में व्याख्यान दिया था। लेकिन 1931 में फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से बुक पब्लिश हुआ, और जो बुक पब्लिश करने वाला संस्था था वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिब्लियोग्राफी इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ व्हिच लाइब्रेरी साइंस, यानी आपसे पूछा जा रहा है ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी, जिसको हम लोग ग्रंथ सूची भी बोलते हैं हिंदी में, तो बिब्लियोग्राफी किस पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र से संबंधित है। तो आपसे देखिए ये क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चन है, जैसे आपको पता होगा कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी आता है, नेशनल बिब्लियोग्राफी आता है, ऑथर बिब्लियोग्राफी आता है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी आता है, तो हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी टॉपिक में पूरा कम्प्लीटली पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है कि बिब्लियोग्राफी जो है किस लॉ को फॉलो करेगा,
तो जो बिब्लियोग्राफी होता है उसमें लिस्ट ऑफ बुक होता है। अगर ट्रेड बिब्लियोग्राफी है तो बिजनेस से रिलेटेड आपके जितने भी बुक होगा, मतलब कि हो सकता है अगर ट्रेड बिब्लियोग्राफी ईयरली हो या मंथली हो, अगर मंथली है तो एक मंथ में जितने भी ट्रेड से रिलेटेड यानी बिजनेस से रिलेटेड बुक पब्लिश हुई होंगी उनका लिस्ट होगा। और अगर ये बुक की बात करें हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के लिए यानी INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की बात करें तो ये मंथली पब्लिश होता है। और मंथली पब्लिश होने से मतलब हुआ कि एक मंथ में आपके कंट्री में यानी इंडिया में जितने भी बुक पब्लिश होते हैं उनका लिस्ट होता है। और अगर सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है तो साइंस का अलग हैगा, आर्ट्स का अलग होगा और आपका सोशल साइंस का अलग होगा। तो ये किस लॉ से संबंधित है? तो देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर बिब्लियोग्राफी है, अगर एक टीचर है या लाइब्रेरियन है वो चाहता है कि उसको ना फिजिक्स के बुक पता चल जाए कि इस मंथ में कितने फिजिक्स के बुक आए, तो उसको कहाँ से पता चलेगी? बिब्लियोग्राफी से। अगर वो इंडिविजुअली सभी जगह सर्च करेगा बिना बिब्लियोग्राफी का हेल्प लिए तो उसको बहुत टाइम कंज्यूम होगा और उसको बहुत जगह पूछना होगा और देश के लगभग सभी पब्लिकेशन को से बात करना होगा, कॉल करना होगा कि सर आपके यहाँ कोई साइंस की नई बुक आई हुई है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर वो देश भर में कोई ऐसा बिब्लियोग्राफी आता हो जो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी में साइंस से रिलेटेड बिब्लियोग्राफी हो तो वो उस बिब्लियोग्राफी को मंगाएगा और वहाँ पे देख लेगा कि कौन कौन सी बुक इस मंथ पब्लिश हुई है या इस ईयर पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो तुरंत डिसीजन ले लेगा कि उसको लाइब्रेरी के लिए कौन से बुक लाने हैं। तो उसकी टाइम का बहुत बचत हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता होगा जो फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कहता है सेव द टाइम ऑफ यूजर, और टाइम का जहाँ बात आएगा, टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सभी फोर्थ लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सही होगा। जिनको याद नहीं है मैं उनको एक बार सभी लॉ आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और फाइव लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है बुक फॉर यूज, यानी पुस्तक उपयोग के लिए है, बुक फॉर यूज यानी पुस्तक उपयोग के लिए है। दूसरा कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी रीडर हिज हर बुक यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक बुक को उसका रीडर मिले। फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ यूजर, और फिफ्थ लॉ कहता है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से मतलब है जीव, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है पुस्तकालय, एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था मतलब कि वो बढ़ने वाला संस्था है, उसकी डेवलपमेंट यानी हमेशा बढ़ते रहेगा। जैसे एक जीव जो है छोटा होता है फिर बड़ा होता है, पहले चाइल्ड होता है फिर एडल्ट होता है, उसी तरह लाइब्रेरी भी एक चाइल्ड होता है फिर एडल्ट का कंसेप्ट आता है लाइब्रेरी में भी। तो ये चीजें फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। और फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेव द टाइम ऑफ यूजर, यहाँ पे यूजर का कैसे टाइम सेव किया जाए इससे रिलेटेड है। और थर्ड लॉ जो है एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी प्रत्येक जो बुक है, जैसे एवरी रीडर हिज हर बुक, जैसे कि सेकेंड लॉ में कहा जाता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, उसी तरह एक बुक को भी उसका रीडर मिलना चाहिए, ये बुक का भी एक अधिकार है। और फर्स्ट लॉ कहता है बुक फॉर यूज, यानी पुस्तक उपयोगार्थ है, यानी या कह सकते हैं आप किताबें जो हैं उपयोग के लिए हैं। तो ये फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फाइव लॉ है, और आपको हमेशा ये चीजें याद रहती है सभी स्टूडेंट को, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हिच फोर्थ ऑफ लॉ द फॉलोइंग लाइब्रेरी साइंस इज नॉट अ इम्प्लीकेशन ऑफ, यानी निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा, इसमें चारों जो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो नहीं करती है। जैसे क्लासिफाइड अरेंजमेंट, अगर आप क्लासिफाइड अरेंजमेंट करते हैं अपने लाइब्रेरी के अंदर तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका अरेंजमेंट बहुत बेस्ट होगा जिसके वजह से आप जल्दी से जल्दी बुक को रिट्राइव कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में, मतलब तुरंत ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपका बुक कहाँ पे है। तो इससे आपका टाइम का बचत होगा। और फोर्थ लॉ तो यही कहता है सेव द टाइम ऑफ यूजर,
तो इसलिए फर्स्ट लॉ जो होगा ये फोर्थ लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है नॉट, जो कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो फोर्थ लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो फर्स्ट लॉ रिलेटेड होगा इसलिए फर्स्ट लॉ ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है स्टॉक रूम गाइड, यानी भंडार कक्ष का जो भी गाइडेंस है वो अगर अच्छा से दिया रहेगा तो आप तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे, आप बुक को एक्सेस इजी वे में करवाएंगे तो फिर भी आपका टाइम का बचत होगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। इशू मेथड, अगर आपका इशू मेथड लेंदी रह गया तो फिर आपका जो यूजर है उसका टाइम ज्यादा कोलैप्स कर जाएगा लाइब्रेरी के अंदर, मतलब कि टाइम उसका ज्यादा कंज्यूम होगा, जिसके कारण फोर्थ लॉ यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इशू मेथड आपका बढ़िया है तो उस केस में आप इजी वे में इशू कर पाएंगे, जल्दी रिटर्न ले लेंगे बुक, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट आता है जो सर्कुलेशन सेक्शन में, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ लॉ से रिलेटेड होता है। और फोर्थ जो ऑप्शन है रूरल लाइब्रेरी सर्विस, देखिए रूरल लाइब्रेरी सर्विस जो है ये कोई भी टाइम से रिलेटेड चीजें नहीं है और ये फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश इन, तो मैंने आपको बताया था कि 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक को, और इसके जो राइटर थे वो एस आर रंगनाथन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोज एंड ग्रोज इंडेसली, यानी कहने का मतलब यह है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है, यानी कि कभी नहीं रुकता है, पुस्तकालय जो है हमेशा बढ़ते ही जाता है, ये किस लॉ के में ये बात कहा गया है। तो देखिए जो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कहता है कि लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है, यानी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और ये वर्धनशील संस्था होने का मतलब ये हुआ कि वो कभी ना रुकेगा, हमेशा बढ़ते चला जाएगा। तो ये फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, लाइब्रेरी ग्रोज एंड ग्रोज इंडेसली, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करते हैं, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनिशिएटेड बाई एस आर रंगनाथन हैज बीन री इंटरप्रेटेड बाई OCLC रिसर्च ग्रुप एज अ डेवलप द फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवरी फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल, यानी कि ये पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम है जिसे एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया है और बाद में ओ सी एल सी रिसर्च द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन करने के रूप में किया गया है, मतलब रंगनाथन जी का कौन सा ऐसा लॉ है जिसको OCLC ने पुनः उसको निर्वाचित किया है, किस काम के लिए, डेवलपमेंट द फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू डिलीवर फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बुक आर फॉर यूज, इसके लिए उन्होंने किया है। बेसिकली OCLC जो डेवलप कर रहा है फिजिकल और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसलिए ताकि सभी बुकों का यूज हो सके अच्छे तरीका से, हम अगर फिजिकली उनको भेज सकते हैं, डिजिटली उस मटेरियल को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस काम के लिए तो OCLC ने फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रतिपादित किया है, फिर से पुनर्निर्वाचित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये UGC नेट का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सभी UGC नेट KVS NVS या वेरियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका KVS का क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बाई हुम वाज द ओपन एंट्री सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस, यानी खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। खुली प्रणाली का क्या मतलब है, जैसे देखिए आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम होने की वजह से उनकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है, अगर उसको क्लोज सिस्टम अगर रख देते हैं, जैसे दुकान में एक छोटे शॉप में जाते हैं आप, तो आपको जो प्रोडक्ट लेना होता है वहीं जाते हैं मांगते हैं और फिर आप वो प्रोडक्ट लेके पेमेंट करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई मॉल या कोई दुकान ओपन सिस्टम होता है जहां पे आप अंदर जा सकते हैं, सामान देख सकते हैं, तो आप देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा, आप जिस सामान के लिए जाते हैं वो तो लेते ही है, उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को भी ले लेते हैं जो आने वाले समय में आपकी आवश्यकताएं हैं, चाहे आपको याद नहीं था आपको प्रोडक्ट घटा हुआ था तो आप फिर उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ ओपन सिस्टम जो है सेलिंग को इंक्रीज कर देता है, उसी तरह ओपन सिस्टम जो है बुक के रीडर को, मतलब कि जो बुक होता है
उनको रीडर मिल जाता है और बुक जो होता है इशू को इंक्रीज कर देता है, बुक इशू ज्यादा होते हैं अगर ओपन सिस्टम है तो। क्योंकि अगर आप एक मान लीजिए कि आपको हर दिन तो आप सभी दुनिया के जितने भी न्यूज है वो आपको पता नहीं होती है कि आज कितने बुक पब्लिश हुए, कौन से राइटर का बुक आया। मान लीजिए आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और आपको साहित्य बहुत पसंद है और आपने ऐसा किया कि आपको कोई बुक लेना है लाइब्रेरी से और आप वहां गए और आपने वो बुक डिमांड किया जो आपको चाहिए, वो आपने ले लिया और आप चले आए लेकर घर पे 7 दिन के लिए इशू कराया, पढ़ लिए, लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी हो या अगर एकेडमिक लाइब्रेरी है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने इशू कराया और आप लेके चले आए। लेकिन अगर ओपन सिस्टम है और आप अंदर चले जाते हैं उस बुक को ढूंढने के लिए तो आप देखेंगे कि उसी राइटर का या कोई उससे भी अच्छा राइटर का कोई और भी बुक वहां आपको दिख गया उसी से रिलेटेड, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली उस बुक को भी इशू कराएंगे। तो उस बुक का इशू कराना ही क्या हुआ, उस पार्टिकुलर बुक को एक नए पाठक मिल गया और बुक को पाठक मिल जाना थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करता है। तो इसका थर्ड लॉ होगा और ये काम सबसे पहले ओपन इंट्री सिस्टम जो था ये सबसे पहले वर्ल्ड में ब्रिटिश म्यूजियम ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कहता है व्हिच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्फेसाइज द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। देखिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मतलब हुआ कि पुस्तकालय के लिए राज्य सरकार कोई ऐसा बिल या अधिनियम लेके आती है जिससे पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए प्रॉपर वे में। तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकताएं पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम अधिक बल देता है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो लॉ देता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए। देखिए ये क्यों सेकेंड लॉ देता है ये समझने वाली बात है कि देखिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कोई भी गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है भारत सरकार में वो लेके आती है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा अभी तक टोटल 19 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अपने यहाँ पास करके रखा है। फर्स्ट जो लाइब्रेरी था वो मद्रास लाइब्रेरी, सॉरी जो आपका मद्रास स्टेट हुआ करता था उसने पास किया था मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, और अब मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु हो गया है। और जो सबसे लास्ट में अभी जो 2009 में पास हुआ है ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में, और इससे पहले 2008 में पास हुआ है ये हुआ है बिहार में, और 2006 में आपका दो राज्य पास किया हुआ है, एक आपका राजस्थान है और दूसरा आई थिंक यूपी है, और 2005 में उत्तराखंड है। तो इसी तरह लगभग 1987 में केरला हरियाणा एक साथ है आई थिंक। तो आपको सभी चीजें याद करनी होगी कौन से स्टेट कब कब अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किए हैं। तो जो ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होते हैं ये कोई भी स्टेट पास करती है, और ये क्यों करती है, ताकि पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप किया जा सके, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, उसके लिए पर्टिकुलर बजट अलॉट किया जा सके। और ये काम क्यों किया जा रहा है पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट, क्योंकि अगर गाँव में या जिला स्तर पर या विलेज स्तर पर अगर हमने लाइब्रेरी ओपन किया कोई भी स्टेट, तो वहाँ के जो लोकल समुदाय के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको पुस्तक मिलेगी। तो बेसिकली जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है वो इंडेसली, अगर इंड में आप जाकर देखेंगे उसका मतलब कि अगर आप कोई भी स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करती है तो उसका इंड में जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा उससे लोगों को बुक मिल रही है। तो एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, ये सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, इसीलिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि एक पब्लिक लाइब्रेरी ओपन होता है गांव में तो सभी गांव के लोगों को, अगर एग्रीकल्चर है वहां पे माहौल तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बुक को रखेंगे, और भी साहित्यिक बुक रख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो ऐसी बुक वहाँ रहेगी। तो जो लोग पढ़ना मतलब छोड़ चुके हैं एक तरह से, जो क्योंकि उनके पास बुक नहीं है, उनको पता नहीं है कौन सी बुक आ रही है मार्केट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कौन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन लाइब्रेरी ओपन हो जाने के कारण वो सब बुक वहाँ जाएगी, तो वो इंटरेस्टेड होंगे और पढ़ेंगे। तो इंड में आप देखेंगे एक लेजिस्लेशन पास होने के बाद इंड में आप देखेंगे तो वो एक बुक मिल रहा है एक रीडर को, इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यही समझना होता है कि वो क्या रिलेट कर रहा है चीजों को, क्या वो समझाने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है व्हिच फॉर्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सटिस्फाइड बाई ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है। तो देखिए एक्सटेंशन सर्विस में मतलब होता है कि बुक फेयर लगाना और जो एग्जीबिशन जिसे हम लोग बोलते हैं, या कहीं लाइब्रेरी कहीं पे
मतलब कि मोबाइल लाइब्रेरी भी इसी में आता है, जो लाइब्रेरी ऑन व्हील जो कंसेप्ट है कि जैसे बोट पे, अभी कलकत्ता में बोट पे भी लाइब्रेरी को मतलब स्थापित किया गया है, जो चलता फिरता लाइब्रेरी है, तो एक तरह का लाइब्रेरी का एक्सटेंशन है वो, तो वो थर्ड लॉ को रिलेट करता है। क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी के बाहर में, लाइब्रेरी से बाहर में ले जा रहे हैं अपने सर्विस को, तो वो सभी बुक हम लेके चले जाते हैं वहाँ पे, जो बुक को कोई रीडर नहीं आता है, और जब रीडर नहीं आता है उस बुक को इशू नहीं कराता है, तो वहाँ पे उसको इशू कराता है, तो प्रत्येक बुक को पाठक मिल जाता है। इसी वजह से ये थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करता है। तो इस बात का आप समझिए कि कोई भी काम हो रहा है तो वो कौन से लॉ को कैसे फायदा पहुंचा रहा है, ये चीज हमें देखना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेना होता है कि कौन से लॉ ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच थ्रेड ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। हिंदी में देखिएगा, लाइब्रेरी विज्ञान के कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है। तो कभी भी पुस्तकालय के विकास, डेवलपमेंट, चाइल्ड एडल्ट डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरह से कभी भी रिलेटेड आएगा तो आप वही चीज मारिएगा, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर में, आपने मुझे पता है आपने डाउनलोड कर लिया है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप को ओपन कीजिएगा, और वहाँ पे आप 5 रेटिंग जो है वो दे दीजिएगा, और वहाँ पे अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।